जिसको हिंदी में उच्च न्यायालय कहा जाता है नंबर फाइव इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसपे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझे ये वो कोर्ट होता है जो कि सिविल नेचर के केसेस हैंडल करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जिसे हिंदी में जिला न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हैं नंबर सिक्स इज सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से थोड़ा अलग होता है क्या है वो द कोर्ट विच हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो कोर्ट है वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर हैंडल करे उसे ही हम कहेंगे सेशन कोर्ट जिसको हिंदी में सत्र न्यायालय कहा जाता है नंबर सेवन इज एपेक्स कोर्ट द कोर्ट विच हैजुडिशियल कंट्रोल एंड लास्ट प्लेस ऑफ जस्टिस मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स कोर्ट कह सकते हैं इसीलिए उसका हिंदी भी क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय नेक्स्ट नंबर एट इज सिविल कोर्ट द कोर्ट विच डील्स विद सिविल मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी बिटवीन टू पीपल और प्राइवेट कंपनी जिसे हिंदी में कहेंगे दिवानी अदालत नंबर नाइन इज ट्रायल कोर्ट ये क्या होता है द फर्स्ट कोर्ट बिफोर विच द फैक्ट ऑफ अ केस आर डिसाइडेड मतलब जहां पे सारे फैक्ट्स डिसाइड होता है उसे ही कहेंगे ट्रायल कोर्ट जिसका हिंदी होगा विचारण न्यायालय नंबर टेन इज एपीलेट कोर्ट क्या है अपीलेट कोर्ट अच्छे से समझे द कोर्ट दैट हियर्स द अपील ऑफ अ ट्रायल कोर्ट डिसीशन हमने पहले ही देखा ट्रायल कोर्ट क्या होता है ट्रायल कोर्ट के डिसीशन को जहां पे अपील किया जाता है उसके अगेंस्ट पे उसे कहते हैं अपीलेट कोर्ट या फिर हिंदी में कहेंगे अपीलीय न्यायालय नंबर इलेवन इज चीफ जस्टिस मतलब द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी इज नोन एज चीफ जस्टिस हिंदी में जैसे कहेंगे मुख्य न्यायाधीश as द judge. हुट्स हिंदी होगा जिला न्यायाधीश नंबर थर्टीन इज सेशंस जज ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान से समझे वीडियो के पहले में आप, मैंने आप लोगों को सेशंस कोर्ट के बारे में बताया था तो वही सेशन कोर्ट में जो जज होते हैं जो कि क्रिमिनल मैटर में प्रिसाइड करेंगे उसे ही हम लोग कहेंगे सेशंस जज मतलब हिंदी होगा सत्र न्यायाधीश Number 14 नी जनरल प्लीज डोंट मिक्सअप इट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल क्या होता है द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है और ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं या फिर कहे तो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं नंबर फिफ्टीन इज सॉलिसिटर जनरल ये कौन होते हैं द लॉ ऑफिसर हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की अटॉर्नी जनरल को जो असिस्ट करे उसे ही कहेंगे सॉलिसिटर जनरल हिंदी में जिसे कहते हैं महा न्याय भी करता नंबर सिक्सटीन इज एडवोकेट जनरल ये कौन होते हैं द हाइएस्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल ऑफ अ स्टेट जिसे हिंदी में कहेंगे महाधिवक्ता प्लीज अच्छे से देखिए ये स्टेट के होते हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है नंबर वेंटीन इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये कौन होते हैं द मैजिस्ट्रेट हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं उन सबके ऊपर जो इंचार्ज होते हैं उन्हें ही हम कहेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हिंदी क्या होता है मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट नंबर एटीन इज लॉयर एनी पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ फॉर फाइव इयर्स विल बी कॉल्ड एस लॉयर जिसको हिंदी में कहेंगे वकील नंबर नाइनटीन इज एडवोकेट सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट देखते हैं क्या है एनी लॉयर हु अ लाइसेंस फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्लियरिंग द बार एग्जाम इज नोन एज एडवोकेट जिसको हिंदी में वकील या फिर अधिवक्ता कहते हैं नंबर ट्वेंटी इज काउंसिल ये कौन होते हैं एनी लॉयर हु स्पीक्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज काउंसिल जिसे भी हम लोग वकील या फिर अधिवक्ता कहते हैं नंबर ट्वेंटी वन इज एफिडेफिट ये क्या होता है अ रिटर्न स्टेटमेंट विच कैन बी यूज एज एन एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इसे कहेंगे हम लोग एफिडेफिट जिसको हिंदी में शपथ पत्र या फिर हलफनामा कहते हैं नंबर इज ये कौन होते हैं एनी पर्सन हु हैज डन समथिंग हुन समोकिन द लॉ तो जिन्होंने भी कोई गलती की हो कोई रूल तोड़ा हो उसे कहेंगे अक्यूज या फिर अभियुक्त नंबर ट्वेंटी थ्री इज विटनेस ये कौन होते हैं एनी पर्सन हु सीज समथिंग